जय माँ शेरा वाली। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। माता चंद्रघंटा अर्थात शीतल ज्ञान का प्रभाव, इनका प्रभाव चंद्रमा की किरणों के समान सौम्य एवं शीतल होता है। क्रोध को शांत करने के लिए और हर संकट से बचाने वाली माता है चंद्रघंटा। इनकी स्तुति इस प्रकार की जाती है, कालिकाम तुम कलातीताम, कल्याण हृदयम शिवाम, कल्याण जननीम नित्यम, कल्याणीम प्रममामेहम। समस्त कलाओं से परे अर्थात इनकी आधारभूता हृदय में समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना रखने वाली, सभी प्रकार के कल्याणों की उत्पत्ति जिससे होती है, शिव भक्ति रूपा कृष्ण वर्णा सर्व कल्याणमयी नित्य कल्याणी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार माता चंद्रघंटा की प्रतिमा को अपने मन में ध्यान रखते हुए माता की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बारे में विधि विधान हमने पहले ही बता रखा है, उसी विधि विधान से पूजा करना है। बस माता के इस स्वरूप को आपको स्मरण रख के पूजा करना है। उसके पश्चात पूजा पाठ करने के बाद, स्तुति करने के बाद कवच पाठ पढ़ेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे और आज कोशिश करेंगे तीसरा और चौथा अध्याय भी पूरा करने के लिए, क्योंकि आठ ही दिन है। आठ दिन में हमें 13 अध्याय पूरे करने हैं, अभी तक हमने 2 अध्याय पढ़ा है, तो आज तीसरा और चौथा अध्याय पूरा करेंगे। और इसके बाद आरती करके क्षमा प्रार्थना करने के बाद प्रसाद लेकर ही उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कवच पाठ, उसके बाद पढ़ेंगे स्तोत्र पाठ।